वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता की अध्यक्षता में जनपद के दक्षिणी क्षेत्र में अपराध की समीक्षा बैठक पुलिस लाइन के सभागार कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में एसपी सिटी विनय कुमार सिंह, एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा, सीओ खजनी रचना मिश्र, सीओ बांसगांव नितेश सिंह सहित दक्षिणी क्षेत्र के सभी राजपत्रित पुलिस अधिकारियों एवं थाना प्रभारी तथा शाखा प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में एसएसपी ने अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के लिए जमानत पर छूटे अपराधियों तथा हिस्ट्री शीटरों की सूची बनाकर उन पर निगरानी रखने, लूट व चोरी की घटनाओं पर रोकथाम लगाने, लंबित गैर जमानती वारंट का 100% तामील कराने, अपने क्षेत्र में महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित होने वाली घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई करने सहित क्षेत्र में अपराध पर लगाम लगाने के निर्देश दिए। बैठक के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया। ये बेलघाट थाना क्षेत्र में गया था स्कूल में, स्कूल का नाम लिखे मिस कर रहा हूँ, लेकिन सलाई में मुझे बताने की आवश्यकता है सबको। उसमें जल्दी कर देते हैं, पहले पुराने लोग हैं थाने हम लोग जाते थे तो ये 6 शब्द मिलते थे, इनको पुलिस को क्या होना चाहिए, फिर से पोलाइट होना चाहिए, पोस्ट से ओरिएंट होना चाहिए, एल से लॉयल होना चाहिए, आई से इंटेलिजेंट होना चाहिए, सी से करेजियस होना चाहिए और ई से एफिशिएंट होना चाहिए। तो अगर मुझे बार बार ये चीज़ें पर स्ट्राइक कर दूँगी होना, अगर ये 6 फुट हो जाए तो क्या ये कोई पुलिस वाला संपूर्ण पुलिस वाला बन सकता है? तो फिर मैंने कहा कि 6 साल नहीं, पुलिस वालों को ए टू जेड होना चाहिए, और पुलिस भी ए टू जेड भाई, लड़का लड़की की शादी हम लोग जब करने जाते हैं तो अक्सर कुंडली का मिलान करते हैं, छत्तीसगढ़ गुड़ मिलाने के प्रयास करते हैं कि इनकी कंफर्टेबिलिटी बनेगी नहीं बनेगी, जिनका शादी करना है तो होता है कि आज लोगों की मिनिमम कितना होना चाहिए, 7, 15, 16 कुंडली अगर छत्तीस मिल जाते हैं तो कहते हैं कि हाँ ये शादी कम्फर्टेबल रहेगी, शादी चलेगी, तो दोनों की बात करते हैं। तो मेरा मानना है कि कम से कम अगर 26 गुण में से जो मैं बताने जा रहा हूँ अगर 12 गुण ही आ जाएंगे तो भी हम लोग अच्छे एक अच्छे पुलिस वाले के रहेंगे। जो 2 वर्ष से अधिक गंभीर मामले हैं उस पर विशेष ध्यान दिया जाए, उसकी सूची बना दिया जाए, और ये था कि सभी थाने पर अंदर हो गए साइंटिफिक तरीके से अपना कार्य करें, और 13 जुलाई को सर लोक अदालत है उसके बारे में बताइए। अभी से उसमें 1 महीने का समय मीटिंग में नाम जून की मीटिंग में बैठे थे और उन्होंने पूरे सभी थानों की कार्य प्रणाली और सब कुछ समझा है, तो इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया। सिटी साहब बैठे हैं और जो मैंने पहली मीटिंग में आपको बताई थी कुछ 20 से 30% कुछ अलग किस्म की बातें हैं, आपके लिए पेज बना है, आप नोट करना चाहें तो नोट कर ले, नहीं तो ये पेज अभी आपको मिलेगा, जैसे मैं हर मीटिंग में आपको देता हूँ आपके अपराध और लूट खासतौर से एंटी व्हीकल थेफ्ट रिकवरी टीम वाला मसला और कार वाला, ये सब मैं अभी फिर से पूछूंगा आप लोगों को। तो मीटिंग की शुरुआत में रिसेंटली बड़ागंज में काफ़ी चैलेंजेस भी आए, मर्डर भी हो गया, इनमें भी थोड़ा पंगा हुआ, तो अच्छे से निकाला इन्होंने टाइम, और इस तरह की बड़ी घटना जब होती है तो सबके ऊपर प्रेशर होता है और आप लोगों ने प्रेशर से उबर करके बहुत अच्छी बात है। जी जैसा कि आपको पता ही है गोरखपुर एक बड़ा ज़िला है, यहाँ 3 जोन हैं, ग्रामीण में साउथ और नॉर्थ जोन है और सिटी जोन है और काफ़ी ज़्यादा थाने होते हैं, तो एक साथ ज़िले की क्राइम मीटिंग करने में बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं और थानेदारों का समय भी काफ़ी लगता है 25 थानेदारों को एक एक करके सुनने में, इसलिए 3 हिस्सों में इस बार हमने मीटिंग करी, मंथली क्राइम मीटिंग तो सिटी और नॉर्थ की हो गई थी, आज साउथ जोन की मीटिंग थी जिसमें सभी थानेदार आए थे, सभी सीओज एसपीज थे और जो शासन की प्राथमिकताएं हैं, पेंडेंसी है,
महिलाओं के खिलाफ अपराध जो बढ़ रहे हैं घट रहे हैं उनके बारे में चर्चा करना और थानेदारों का रिपोर्ट कार्ड देखना किसने क्या परफॉर्मेंस करी है और उस पर सुझाव देना, उनको इंस्ट्रक्ट करना। कुछ सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं, कम से कम महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध नहीं होने दिए जाएँ और जो हुए उनकी तत्काल विवेचना और तत्काल उसमें कार्रवाई हो। और सिमिलरली उसी तरह से जो एंटी रोमियो स्क्वाड है उसको तेज बनाने के लिए बोला जा रहा है, बहुत तेज़ी से काम करें, ट्रैफिक मैनेजमेंट अपना सुधारें, जनता में अपनी छवि सही करें और नीचे के स्टाफ को जो हमारा सिपाही है, हमारा हवलदार है, संतरी है, थाने का मुंशी है, थाने में बैठने वाले जो स्टाफ हैं उनके व्यवहार में आमूलचूल परिवर्तन आए और वो जनता से बहुत प्यार से बात करें, इस बात के लिए इनको प्रेशराइज किया गया है, इनको समझाया गया है। और सिमिलरली अपनी जो ईमानदारी है सत्यनिष्ठा से काम करें और इस तरह की बहुत सारी बातें, इनसे इनका हर थाने का हिसाब लिया गया है किस थाने में किस तरह की चोरियां बढ़ी हैं, कहां मर्डर बढ़ा है, कहां लूट बढ़ी है, तो जो एक विवेचना का कार्य है जो हमारा काम है, एक सुपरवाइज करना सुपरिटेंडेंट का काम है, उसको देखते हुए आज मीटिंग रखी गई और इसमें सभी तरह के दिशा निर्देश इनको दिए गए हैं जिससे गोरखपुर पुलिस और अच्छे से जनता की सेवा कर सके।